सुना है टीना की शिकायत पर बड़ी बेइज्जती खराब हुई है तुम दोनों की। और नहीं तो क्या, इस वाकये का चश्मदीद गवाह तो हूं मैं। तेरी क्रैश लैंडिंग के भी कई आनी शायद हैं। तुम हालत रोज नशा करके कहीं पड़ा होता है। टीना से ये उम्मीद न थी। चलो हमारी लव स्टोरी को तो लग गया चटका, लेकिन हेडमास्टर की कहानी नत्था वर्याम की जुबानी हो जाए। रुकैया को मैं गली मोहल्ले में मिलने से मना करता था, वो मेरे पीछे स्कूल आ जाया करती थी। रब कायनात ने गरीब को इज्जत दी और दुनिया से जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा किया। परवरदगार ने हमें तो एक इस्लामी रियासत ही दे डाली, जिसमें हर मज़हब और हर नज़रिए का ख्याल रखा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से फारिग होने के बाद आप हाई स्कूल में जाएंगे, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर आपके सामने एक नई जिंदगी होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान। भी आ गई हो। मेरा लाला तुझे कब्रिस्तान भी पहुंचा देगा ना, वहां भी आ जाऊंगी। ये स्कूल है, मेरी कुछ इज्जत है। पर मेरी कोई इज्जत नहीं। गांव के नंबरदार की बहन नहीं, और तेरी बचपन की मांग, और मुझे छोड़कर तू पता नहीं किसके ख्वाब सजाए बैठा है। मेरा दिमाग ना खा और अभी यहां से वापस चली जाओ। नहीं जाती, धक्के मार के निकाल मुझे। ऐसा मैं कर सकता हूं। किया तो था तूने। अगर उस वक्त मेरे लाले के सामने डट जाता तो मेरी शादी उस जबार से ना होती। अब वो पछताता तो होगा ना। बिल्कुल भी नहीं, तेरे बचपन का साथी है, तुझसे बड़ा ढीठ है। तो मैं क्या करूं? बस कर नथे, मैं फिर से बर्बाद नहीं होना चाहती। ये तो रब का शुक्र है कि उसने जबार से मुझे औलाद नहीं दी, वरना मैं मर के ही उस घर से निकलती। अभी तो यहाँ से निकल, स्कूल में 10 लोग हैं मुखबरी करने वाले। बस एक बार कह दे मास्टर, तू मुझसे शादी करेगा? हिम्मत कर ले मास्टर। हाँ करूंगा, जाओ अब तुम जाओ जाओ। सच्ची? जाओ करूंगा। मैं दूध आमदनी, खानदानी लड़ाइयां और छोटी बहन को डॉक्टर बनाने का ख्वाब मुझे रुकैया की तरफ बढ़ने से रोक लेता था। और तू अपने हर फ्लैशबैक के सीन में बुजदिल और नखट्टू क्यों लगता है? अंग्रेज क्या है गया, टू लव वमन इज ब्रेवरी, औरत को प्यार देना बहादुरी है। उठ ओए, मरासियों का मुंडा और अंग्रेजियां। बीकॉम में फर्स्ट डिवीजन हूं मैं। गाने बजाने वाले की डिग्रियां चेक कर, फिर बकवास कर। डबर रोटी की दुकान, फीका पकवान, पानी वाला जहाज। चुप करके सुनो, नहीं तो जूता उठा लूंगा। रुकैया के भाई से बात की तूने? क्या बात करता मैं, वो तो चाहता था कि के? के रहने दे। पूरी कहानी सुन के रहूंगा मास्टर। यार एक बात बता, तेरी हर बात में जूते का जिक्र है, छोड़ क्यों नहीं देता? अब तो शनाख्ती अलामत है ये मेरी, कैसे छोड़ दूं? थोड़ा जोर से मार, ओड़ ओड़ मार जोर से। ओए मरासी, इस चित्राल के पीछे भी तो कोई कहानी है, बड़ी खतरनाक। कोई और ऐसी क्या होता है पोटरी? म्यूजिशियन पैंड मास्टर। ताना ताना दीम दीम ताना दे रे ना, ताना ताना दीम दी ताना ताना दे दी ताना दे रे ना। आई विल फिक्स द डील योगी। चलो जल्दी कर, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस हर जगह काम नहीं करता, लड़की तेरे हाथ से निकल गई। मुझे तो अपना चश्मा बदल कर देख।
तानिया का दम निकलता है मेरे बगैर, और तू इस बात का गवाह है। खैर गवाह तो मैं और भी बहुत सी चीजों का हूं, जैसे तूने नूर को शट अप कभी तो बोलने नहीं दिया कर। अच्छा बकवास बंद कर, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, शाम में मिलते हैं। ये शाम ही है मतलब ही शत। वैसे तेरा मेरे सामने एक चेहरा, दफ्तर में दूसरा, घर पर तीसरा, गर्लफ्रेंड को चौथा, और खुद को पांचवा चेहरा दिखाकर भी मैं जरा शर्मिंदा नहीं होता। थैंक यू फॉर कमिंग। आपसे मिलकर अक्सर खुशी नहीं होती, तो कभी कभी आएगा। काश तू मेरे बचपन का दोस्त ना होता। मैं भी यही बात अक्सर सोचता हूँ। प्लीज डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गेट लॉस्ट। ये सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, कुछ देर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। राइट सर। मैं अब अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसा कब का? कोई और मिल गई है? नहीं, लेकिन हाँ कोई है इस सारे मामले के बीच जो मैं मिलने नहीं दे शायद। यकीनन मैं उसे मार दूंगी। तुम मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ और एक तरफ हो जाओ, फिर मैं जानू और वो। मैंने कहा ना मुझे थोड़ा वक्त। तुम कैसी बातें कर रहे हो? चिल्लाओ मुझ पे, मुझे डांटो, मुझे मारो, जो दिल में आता है करो, मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं करो यार। मुझे सांस नहीं आता तुम्हारे बिना। आई कांट ब्रीथ विदाउट यू। मैंने कितनी बार तुम्हें बोला, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मुझे छोड़ दोगे, मैं चार दिन रोऊंगी, कमरे में खुद को बंद करूंगी, बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। गलत लग रहा है तुम्हें, ये बहुत स्पेशल है। हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। मैं नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे लगता है मैं खुद को कुछ नहीं करूंगा, स्वेयर टू गॉड मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त। यार कितना वक्त? तो वो साल से एक ही बात, वक्त चाहिए। दिसंबर की बात, फिर जनवरी में, मार्च में करेंगे, मार्च में। तो वो सर्दियाँ गुजर गई यार, तीसरा साल जो रोने वाला है। नहीं रहना चाहते? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम मुझे इनकार करोगे, दो दिन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, नॉर्मल जैसा लोग इश्क करते हैं, इश्क तो खैर दूर की बात है यार, लोगों को तो प्यार करना नहीं आता। आई स्वेयर मुझे पता क्या फील होता है कि मैं तुम्हें छोड़ भी दोगे ना, मैं चार दिन में तुम्हें नहीं भुला सकूंगी। मैं वो नहीं करूँ कि सब नहीं, मुझे लगता है मैं खुद को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अल्लाह की तरफ से मुझे कुछ हो जाएगा। आई स्वेयर मैं नहीं। देखो देखो मेरी कुछ मजबूरियाँ। एसकेडी तुम्हें मजबूरी है किस बात की? मुझे तुम अपनी मजबूरी बताओ, मैं खत्म कर दूँ, मैं करूँगी। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। मैं अपनी जिंदगी के फैसले इतनी जल्दी में नहीं करता। हेलो सफदर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अरे आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था मैं। गड़बड़ तो थी, अब खतरा है। मुझे कई तरह की खुशबू आ रही है। मैं बिल्कुल बेहिस नम थी, फिर अचानक से वो मेरे सामने आ गया। कुछ होने वाला है। मुझे तरिंदों के घुराने की आवाज आ रही। सुनो, सुना तुमने? अच्छा लग रहा था। पहले से जरा सोबर हो गया है, पर पता नहीं क्यों थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा था। आज वो फिर आई थी, अब पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत कुछ तुमसे कहने वाला था, फिर बताऊंगा, तुम्हें सब संभाल कर। अगर आप सलमान से मिलते तो के देकर निकालता उसे यहां से।
अगर बंधा ना होता तो मैं तुम्हें अपनी वसीयत और जायदाद की बातें कर रहा हूँ और तुम उस भगौड़े की कथा सुना रही मुझे। कैसी हो नूर? मैं प्यार से पूछा उससे मुझसे, कितने अरसे के बाद उसने मेरा नाम लिया, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, हमारा रिश्ता, वो मैं, सब याद था उसको। बेवफा जैसे धोखा देता है उसका नाम पता सब याद रखता है, एक नए जान में फंसाने के लिए। पहले तुमने दो रबड़ की गुड़ियों को अपनी औलाद बनाई और अब उस झूठे सलमान के आने पर खुश हो रही हो। तय बहराम जो है ना डॉक्टर नहीं, किसी छोटे से मोहल्ले का कंपाउंडर है, तुम्हें गलत दवाइयां दे रहा है। कुछ खबर है ना कोई परवाह, अब हमारा क्या। अंदर एक शोर था जो कुछ थमने लगा है भाई। वाह, होश करो नूर, होश करो। बड़ी जंग जीत कर यहां से निकलना होगा। वही डॉक्टर इसके लोगों का ना इनका कब्जा खत्म करना है। ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये गाड़ियां, ये सारी चीजें मेरी हैं, मैंने कमाई है, जो पमख ये खा रहे। तुम सलमान कंपनी को भूल कर मेरे साथ सर जोड़ कर एक नया प्लान। मुलाकात तो वो खत्म हो गया, डॉक्टर पर ही बुला रही है, चलें। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। व्हीलचेयर पे बांध कर ले जाऊंगी। स्टाफ तैयब जल्दी आए। रुको, क्यों? दरख्वास्त मंजूर। चले फिर उठे, चलें चलें चलें। मैम देखें, इतना इंसिस्ट करने पे भी ये कुछ नहीं खा रही हैं। तुम जाओ, मैं देख लेती। ओके मैम। दवा नहीं खाओगी तो दिमाग कैसे ठीक होगा? बुढ़ी होके एक्ट्रेस बन गई। कम, अरे कम 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 कम। रीमा, लुक अराउंड, लुक अराउंड। हमारे उस खूबसूरत से आशियाने में उस परकटी परी का साया हो गया है। असली परी नहीं है वो, डॉक्टर है। इलाज कराओ बस। इलाज करवाती है मेरी जूती। चलो ना, उसे यहां से निकलवाना है, वो तरीका बता। मिसेस शाह उसके बारे में बात नहीं सुनती, तो बेहतर ये अपने लिए दुश्मनी मत पालो। टीना, टीना मैं कोई सुन लेगा, मुझे शौक है दुश्मन बनाने का। अब देखो, आते ही उसने मुझसे मेरा दीवाना छीन लिया। मैरी की नजरों में उसके लिए मोहब्बत है और मेरे लिए बेजारी। तुम ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गए? क्या बके जा रही हो? चुप करके खाना खाओ और दवाई लो। मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंतकाम, मुझे इंतकाम चाहिए। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। नहीं नहीं टीना, टीना टीना, नो क्राई, नो क्राई चाहिए। लगते हुए नजर नहीं चलेगी ना। टीना अच्छा छोड़ो, चलो मेरा बच्चा, चलो अंदर चलते हैं, खाना तो खा लो ना, अंदर चलते हैं ना। अच्छा मेरा बच्चे, चलो शाबाश, हाँ चलो चलो चलो। Thank you.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर बहराम बात कर रहा हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मशहूर आदमी छुप सकता है भला? मेरी वजह शोहरत, शराफत, दयानत, सदाकत और खानदानी वकार। वैसे तुम्हें किसी बड़ी कंपनी का सेल्स हेड होना चाहिए था। काम मायरे नफ्सियात बन गए। सेल्समैन से अच्छा मायरे नफ्सियात कोई हो सकता है भला? ये भी ठीक है। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मेरे लिए नहीं, नूर की फास्ट रिकवरी के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी मदद? हमें आपका मजीद वक्त चाहिए थोड़ा सा। ना मत कीजिएगा प्लीज। देखो बहराम, हम इस वक्त आपके और नूर के रिलेशनशिप को कुरेदना नहीं चाहते। कॉल मी आफ्टर लंच, आई सी, बाय। खैरियत? रंग तुम्हारा उड़ा है और खैरियत मेरी पूछते हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ है। मे बी इट्स जस्ट अ मूड स्विंग। ठीक हो जाओ तुम सलमान, जो हमारे साथ हुआ है ना, उससे हम बहुत आगे निकल गए हैं। मुझे और इदारे को तुम्हारी जरूरत है। Understand? Yeah. Of course. आज मास्टर से कहानी सुनकर रहना है। यार तुम फिक्र ना करो, मैं बात करेगा ना। पूरा जोर लगाएगा तू? हाँ, अगर तू नहीं ना तो फिर क्या? कल से तेरी मिन्नतें कर रहा हूं मास्टर। आगे क्या हुआ बताना क्यों रही है? माजी की बातों को दोहराने का फायदा, और वैसे भी हम ठीक नहीं हो रहे। सुना दे मड़ा, तुम्हारा लव स्टोरी का सीन पोडरी ने हमको बताया, बड़ा मजा आए। ओ मैं पोडरी नहीं, चर्सी होगा। मास्टर ये तेरी नाकाम मोहब्बत को सरेआम कर देगा। कहानी सुनाने से पहले तू जास को डाउन उड़ा दे। नशे में मिलावट है आजकल, छोड़ दिया। बकवास बंद कर। पेशेंट्स जो है हमारे बहुत ही जेंटल होते हैं, उनके साथ अगर हम आराम से नहीं पेश आएंगे तो दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल। यू नीड टू फिगर दिस आउट। गेट, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर कैसी है? नूर को बुलवा। नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, ऐसे मिलने चला आया। मोहब्बत से कॉल की थी आपने, नफरत का जवाब नहीं देता, मोहब्बत का जरूर देता हूँ। चाय तो पीनी पड़ेगी आपको। कॉफी? सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास। बहुत है, आइए। प्लीज। तो ये है सलमान, जा मिल ना, वो मुझसे नहीं डॉक्टर बहराम से मिल लिया। वैसे ये तो बिल्कुल हमारी तरह लगता है। साइको। अगर पुरानी बातों को याद करते हुए मुझे दौरा पड़ गया तो संभालेगा कौन? जोरे टोपक पे हम और कौन, दौरा पड़ जाए तो डॉक्टर को भी हम संभालते हैं। तूने हेडमास्टर का पिछला फ्लैशबैक देखा नहीं? हर बात पे पागल चर्सी की तरह उल्टे सीधे सवाल करेगा। मैं चर्सी नहीं, अफीम ही होगा। चुप कर जो। चुप कर जो। चुप चुप। था बस, बस आ रहा बस। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। वो रुकैया तुझे मिलती है, नंबरदार को खबर पहुंच गई है, वो अब भी तेरे घर गई है, वो रोक उसे। ठीक है चाचा, देखता हूं। चल। बस फिर तू रुकैया का कमाल देखना। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं खाना तो खा। वो तेरा लाला आ गया ना,
तो बड़ा अजाब हो जाएगा। वो मास्टर जी तो लाला क्या लाला तो आई के क्या करेंगे? कुछ नहीं मैं जा रही हूँ। ठहर जाओ, रुको। रुकैया सदीक नाम है मेरा। रुको तो बचपन में मेरा मंगेतर मुझे कहा करता था। अब कौन सी बड़ी हो गई हो तुम? ये क्या बचपन है? क्यों आई हो मेरे घर में? अरे साइमा से मशवरा करने आई थी। क्या? वो आज लाले से बात करनी है। अब्बा की वसीयत के मुताबिक तेरा उससे निकाह करवाएं। अपने लाले की शर्त याद है ना तुझे? हाँ याद है। कोई एतराज नहीं तुम्हें? देखो मास्टर जी, तुम हक पर हो। पंचायत में बड़ों के सामने अपना फैसला रखो, मसला हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी ट्रांसफर किसी दूर के गांव में करवा ही लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है तुम लड़ाई करा के ही दम लोगी। हाय, दम तो मेरा तेरे बगैर निकला जा रहा है मास्टर, थोड़ी सी हिम्मत कर ले। निकलो यहां से। जाती हूं। बोला तो जूते मारूंगा। गांव में बड़ों के फैसले, तहजीब और रिवाज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। शहर में भी यही होता है। बोर ना कर, आगे बता। आप नूर का जो भी इलाज कर रही हैं, पहले नूर को जान लें। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसने कई गैर मामूली काम किए हैं। आप जो शेयर करना चाहते हैं अपनी मर्जी से बिल्कुल शेयर कीजिए। नूर को जब मुझसे मोहब्बत हुई, मेरी मंगनी हो चुकी थी। वो मंगनी जो कभी टूटती थी फौरन जुड़ जाती थी, और उसकी एक नहीं काफ़ी वजूहत थी। उस दिन मैं भी घर पे अकेला था, एंड ऑनेस्टली हमारी शादी कभी हो नहीं सकती थी। जैसी वो आई, मैंने उसे यही बात समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मैं समझना नहीं तुम्हें चाहती हूँ। शादी करो। कैसे करूँ? मेरा खानदान नहीं इदारा है। जरा छेड़छाड़ का मतलब है तोड़फोड़। ऐसे लेकिन ये तोड़फोड़ तुम अफोर्ड कर सकते हो। मुझे किसी जुर्म के बिना तुम छोड़ोगे, जो तोड़फोड़ मेरे अंदर होगी ना, वो तुम्हारा ये इदारा नुमा खानदान कभी नहीं जोड़ सकेगा। मेरा क्या कसूर है? मैं इंसान हूं, मुझे तकलीफ होते हैं। कीमती पत्थर बना के मुझे सजा के ना क्या करूं मैं? बताओ ना क्या करूं? अपना वादा पूरा करो, शादी करो मुझसे, निकाह करो। जबान बड़ी के सर, जबान बड़ी के सर, जबान तो पूरी करो। मर्दों वाला वादा पूरा करो। तुम अगर पूरा ना कर सकते, मैं तुम्हें कभी फोर्स ना कर सकती। ओके फाइन, मैं देखता हूं कुछ। मुझे देखने दो। नूर को तुमने मुझसे बहुत दिन छुपा लिया। तुम उसके साथ इतने सीरियस हो गए हो और मुझे पता ही नहीं चला। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। ओ मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब पता करा लिया। ये मत भूलना, इस खानदान की साख हमारी जिंदगियों से ज्यादा कीमती है। कोई ऐसा रिश्ता जिसका कोई फायदा ना हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तो फिर आप केयरफुल हो गए होंगे, राइट? नहीं, मजीद कंफ्यूज्ड। घर से मैं इससे कहीं ज्यादा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, जबकि मुझे सिर्फ वार्निंग दे दी गई। और आपने नूर को एक बार फिर पीछे धकेल दिया। साहिर और क्या करता? नूर ने तो आपकी मजबूरी समझने से इनकार कर दिया होगा। नहीं, ये सब सुनकर खामोश हो गई। उसके बाद वो घर आई थी, बहुत बुरे हालात में आई थी वो। ये आवाज किसने रखा है यहाँ? शमा, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि रास्ते में चीजें नहीं आते, पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आती। सुनो सुनो,
इश्क का खुमार मुझ पर बढ़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है। ना दिन में कोई चैन है, ना शब को करार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। इतनी चुपचाप अच्छी नहीं लग रही, कहाँ थे तुम, कब से ढूंढ रहा था? कहाँ ढूंढ रहे थे, मैं तो तुम्हारे दिल में रहती हूँ। दिल के अंदर इतने तेज पंजों वाली बिल्ली कौन रखेगा? सीधी तरह बताओ क्या चाहती हूँ? तुम्हारा साथ जिंदगी, ख्वाब में भी मेरा साथ ना छूना। बोल ना करो यार, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। टाइम पास हो मैं, ये कुछ वक्त क्या होता है? अगर मैं रहूंगी ना तो च्युइंगम की तरह साथ चिपक के रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी। मैं तो नहीं ना होगी, लेकिन व्हाट अ कॉन्फिडेंस, आई लव इट। मजाक है तुम्हारे, सांस ही आता तुम्हारे बिना। आई लव यू, समझ नहीं आ रही? आते हैं समझ, लेकिन आई तमंग नहीं हो रही है। ये जो फेंक दूंगी उसे जो तुम्हारे पास से भी गुजरी, यहां से खुदकुशी करते हुए अजीब लगोगी तुम। व्हाट, मेरे मैटर सेटल हो गए हैं, तुमसे मंगनी कर रहा हूं। मजाक कर रहे हो? तुम्हारा मेरा मजाक नहीं है। है नहीं 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 नहीं, जैसे ऐसे बता रहे हो। मैं आगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान डावर जी, सलामिकुल। आगे, हाय। मेरी बड़ी बहन है किरण डावर। आइए आइए, अंदर आइए। ये नूर है मेरी बेटी, शायद आप मिल चुकी हैं। जी नहीं, सुना बहुत है, लगता बहुत पुराना जानती हूँ उसे। जी जी, अभी चंद दिन पहले ही तो इसलिए जिक्र किया था आप लोगों का। सलमान, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। इट्स फाइन, हम बाहर लॉन में बैठते हैं। बैठे नूर, मैं ड्रिंक्स भी चलाती हूँ। चलिए आइए 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 आइए, तशरीफ़ रखिए। माशाल्लाह बड़ा नामवर खानदान है आप लोगों का। वो क्या लेंगी? कुछ नहीं जी। अब खुश? सुकून आ गया। लगता तो नहीं। ए मिया, ये आंखें मटकाना बंद करो, इंसान बनो। सुना है अच्छा शौहर बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं जानता हूँ, बीवी बनकर तुम मुझे बहुत तंग करने वाली हो। ना ना, इश्क में हुक्म तोड़ा नहीं जाता। जिस दिन मैंने तुम्हें नाराज किया ना, तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं खुद को मार लूँ। मौत तुमने कंधों पर उठा रखी है, बहुत काम होने वाला है। प्यार करके कहाँ फंस गया यार? प्यार और मोहब्बत नहीं, इश्क, इश्क है तुमसे, तीनों एक ही चीज है। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब। इंसान फानी और अल्लाह बाकी है, और इश्क रब की पनाह में, और जिसे बका की अमान हो उसे फना नहीं। क्या समझा किया? यही के मुश्किल काम है, मुझसे नहीं हो पाए। मैं करूंगी ना, तो नखरे करना हो मैं उठाऊंगी, जी भर के नखरे करना हो। नूरे सबा मायूस नहीं करेगी कभी। ये जुनून, ये कैफियत, रिलेशनशिप ओसीडी है ना? ठीक।
आपको क्या लगता है, आपको नूर से मिलना चाहिए? अगर मेरे मिलने से नूर को फायदा होगा तो जरूर मिलूंगा। नो, आई डोंट थिंक सो। अगर आप उससे मिलती रहे तो वो मजीद आपके पीछे पड़ी रहेगी और आपको भूल नहीं पाएगी। आपने ईआरपी के बारे में सुना है? ओसीडी के इलाज का तरीका है शायद। जी, मरीज जब किसी चीज, किसी इंसान या किसी मामले के जुनून में मुब्तला हो जाए तो उसे बुरा साबित करना हो और उसके लम्स या स्मेल से उसे बेजार करना हो। अगर इस मामले में अगर हमारे साथ आप कोऑपरेट करेंगे तो नूर बहुत जल्द बेहतर हो सकती है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अभी इस कहानी की पंचलाइन बाकी है। आप किरण जी से कहो 10 मिनट में मीटिंग में आऊंगा इंशाल्लाह। सॉरी, आई हैव टू गो नाउ। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, काफी अच्छी थी। जब आएंगे मिलेगी, फिर तो आना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। What do you think? A lot to be discussed. Noor, aap theek to hai? Noor, are you fine? Chapa, medicine do. Noor, your medicine le len, please. Mr. Chano. Noor ko bulwa. नहीं, मैं ऐसे यहां से गुजर रहा था तो आपसे मिलने चला आया। हमें नूर को मजीद डिस्कस करना चाहिए ताकि हम उसके सेशन स्टार्ट कर सकें। आज पहले दिन ही इतना लेट हो गया, मम्मी की 11 मिस कॉल्स आई हैं। घर में ही नहीं घुसने देंगी वो मुझे। कल ही में रात देर तक खेलने वाले शरारती बच्चों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन जिस दिन तुमने मेरी अम्मी को बरसते हुए देख लिया ना, उसके बाद ये मशवरे नहीं दोगे। तुम्हारी फैमिली, आई मीन तुम किसके साथ रहते हो? एक्चुअली मैं लीव इट। बैरी, इसे छुट्टी दे दो, कितना काम रोज। देखो इतना सामान लेकर आया बेचारी का। तुमसे मिलने के लिए तो रुक गई थी, कहाँ थी अब तक? खामखा फ्रैंक हो रही है, इसे बता दो। टीना हर किसी से कलाम करना पसंद नहीं फरमाती। फरमाना तो पड़ेगा अब, लेकिन मजबूरी है। तुम्हारी होगी, मैं आजाद पंछी हूँ, कभी इस शाख पर तो कभी उस डाल पर। तुम मुझे भी उड़ना सिखा दो। हैं? कौन है ये? तुम्हारी फूफो की लड़की है, बचपन में खो गई थी, अब मिल गई है। फूफो नेवर गॉट मैरिड, सो डोंट टॉक टू मी। सर, कोई मैडम अनीला आई है, आपका पूछ रही है। हाँ, उन्हें मैंने बुलाया। कैसे हो तैमूर? थोर। ये 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 यार, नजर आ रही है तुम्हें? बिल्कुल नजर आ रही है। ये अनीला है, आपकी बीवी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।